नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक विषय है जिसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। विषय का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, इस शब्द को हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन बना रहता है। कई बार हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है, जो कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये बनता कैसा है, इसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग देख रहे हैं स्लाइड में, कि मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट के लिखे हैं। जैसे कि एवरी एग्रीमेंट विच क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स बिटवीन पार्टीज इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, और एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ क्या है। एग्रीमेंट का मतलब होता है वो करार जो दो लोग आपस में करते हैं, और इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ का मतलब होता है उस करार को पूरी करने की कानूनी बाध्यता। जब किसी करार के साथ उसको पूरा करने की कानूनी बाध्यता जुड़ जाती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग दिन भर में कई बार एग्रीमेंट करते हैं, और कई बार वो एग्रीमेंट ब्रीच भी होता है, टूटता भी है। तो मेयर एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट के साथ लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब एग्रीमेंट में किया गया कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप पर कानूनी बाध्यता हो। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से समझने के लिए हमें एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी को समझना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सिबिलिटी है लॉ क्या है। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर पार्टीज इज एन एग्रीमेंट, और अ प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस। दोस्तों, जो जैसा कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, पहला एग्रीमेंट और दूसरा लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी या इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। वैसे ही एग्रीमेंट को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहली चीज ऑफर या हम उसे प्रपोजल भी कहते हैं, और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस एक साथ मिलते हैं, तभी वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो हम थोड़ा जानेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑफर का मतलब होता है जहां पर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को अपनी कोई इच्छा जाहिर करता है, इस उम्मीद से इस सामने वाला जो इंसान है जिसके सामने वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, वो अपनी स्वीकृति दे। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं कि राम गेव प्रपोजल टू जय टू प्ले विथ हिम। यहाँ पे राम ने जय के सामने अपनी इच्छा जाहिर की साथ में खेलने की, तो इसे हम प्रपोजल कहेंगे या फिर ऑफर कहेंगे। एट द सेम टाइम हम यहाँ देख रहे हैं एक्सेप्टेंस को। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जहाँ पर किए गए ऑफर पर सामने वाला आदमी जिसके सामने ऑफर या जिसके सामने लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जब वो आदमी स्वीकृति देता है अपनी उस काम को साथ में करने के लिए या ना करने के लिए, उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम साफ देख रहे हैं कि जय एक्सेप्टेड द प्रपोजल, मतलब राम ने जय से कहा साथ में खेलने के लिए, और जय ने साथ में खेलने के लिए अपनी स्वीकृति दी, तो ये एग्रीमेंट बन गया। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये जानते हैं कि एग्रीमेंट कितने तरह का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट के कुछ तीन प्रकार हैं। पहला सोशल एग्रीमेंट, दूसरा रिलीजियस एग्रीमेंट और तीसरा लीगल एग्रीमेंट। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन भर हम लोग कई बार एग्रीमेंट करते हैं और कई बार वो एग्रीमेंट ब्रीच होता है। मतलब कई बार हम अपनी मनसा किसी के सामने या अपना कोई विलिंगनेस किसी के सामने शो करते हैं और सामने वाला उस पर अपनी स्वीकृति देता है या एक्सेप्टेंस देता है तो वो एग्रीमेंट बनता है, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून के नज़र में जो एग्रीमेंट की मान्यता है वो उस एग्रीमेंट की है जहाँ पे दो पार्टी एक दूसरे के साथ एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के या फिर एक दूसरे पर लीगल ऑब्लिगेशन सेट करने की इच्छा के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि निशा और रिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे दोनों ने जहाँ पे निशा ने रिया को कहा कि साथ में खेलने के लिए और रिया ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो ये सोशल एग्रीमेंट है। और उसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आनंद ने बासु को प्रपोजल दिया साथ में मंदिर जाने के लिए और बासु ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो ये रिलीजियस एग्रीमेंट है। लेकिन इन दोनों एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि अगर निशा या आनंद या रिया या फिर बासु अपने किए गए कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इन दोनों का आपस में किए गए एग्रीमेंट को एग्रीमेंट बनाने के पीछे का जो मंशा था वो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, वो बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ एक सोशल और रिलीजियस एग्रीमेंट क्रिएट करने का था। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होता है वहाँ पर दो पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन सेट करने की इच्छा होती है या फिर इंटेंशन होती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में राजा ने एग्रीमेंट किया श्याम के साथ अपना घर बेचने के लिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राजा और श्याम के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो लीगल एग्रीमेंट है। मतलब अगर राजा या श्याम अपने किए गए कमिटमेंट से पीछे हटते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहली एग्रीमेंट, दूसरी इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। तो एग्रीमेंट क्या होता है हम लोगों ने अभी तक जाना, अब हम जानते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ क्या है। इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर पार्टीज टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉमिस कैन ब्रिंग लीगल एक्शन ऑन द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में देखा था कि जहाँ पे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था साथ में खेलने के लिए, साथ में मंदिर जाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। मतलब कि दो पार्टीज के बीच में जो भी करार है अगर उस बात को या जो कमिटमेंट है उस चीज़ को पूरा करने से अगर कोई भी पार्टी पीछे हटता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट के साथ लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी या इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ जुड़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन या वो मजबूरी जो किसी आदमी को कानून के नज़र में किए गए अपने करार को पूरा करने के लिए बाध्य करता है, उस तरीके के जो भी ऑब्लिगेशन है उसको हम इन्फोर्सिबिलिटी या लॉ कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट व्हेन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स आते हैं, फाइंड्स दैट द एग्रीमेंट हैज मेड विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इज वैलिड, कैन कंपेल और इन्फोर्स द पार्टीज टू कंप्लायंस देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। दोस्तों अगर दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है जहाँ पे दो लोग साथ में खेलने के लिए एग्रीमेंट किए थे, अगर उसमें से कोई एक पार्टी उस एग्रीमेंट को ब्रीच करता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई
दो आदमी साथ में एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस करने के लिए और उसमें से कोई एक पार्टी उस एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जो बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन के साथ बनाया गया था। तो जब एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ जुड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ की, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट है जहाँ पे एक्स अपनी कार वाई को बेचना चाहता है या बेचने के लिए तैयार है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन सेट कर रहा है ये एग्रीमेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वैसे ही एक एग्जांपल नंबर टू में भी हम देख रहे हैं कि एक्स ने वाई से कहा कि वो उससे मशीनरी खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर भी जो एग्रीमेंट है वो लीगल इंटेंशन के साथ या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन के साथ बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके के एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ है या पाई जाती है। दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है उसके आधार पर मैं आपको एक बार फिर से ही बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्रीमेंट तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक कि उसके साथ इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ नहीं जुड़ जाती। मतलब कि कोई भी करार जब तक उस करार को पूरा करने के लिए कानूनी मजबूरी, मतलब कानून के द्वारा आप पर किया गया दबाव है, आप पर दिया गया दबाव है कि आपको जो भी आपने करार किया था वो आपको पूरा करना होगा, जब तक नहीं जुड़ जाता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने का जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इसी टॉपिक पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।